धनबाद मंगलवार 1 सितंबर से बसों का परिचालन शुरू हुआ। धनबाद बस स्टैंड की खोई रौनक अब धीरे धीरे लौटने लगी है। बस मालिक से लेकर चालक, खलासी, कंडक्टर समेत बस उद्योग से जुड़े लोगों का रोजगार एक बार फिर से लौटने लगा है। पिछले 6 माह से जिस बेकारी का दंश झेलते आए, आज जब बस का पहिया चला तो सबके चेहरे की रौनक लौटने लगी है। बसों का परिचालन MHA के गाइडलाइन के आधार पर ही किया जाएगा। बस मालिक कुल सीटों की संख्या का 50% ही सवारी लेकर चलेंगे। मसलन एक बस में अगर 50 लोगों के बैठने की सीट है तो 25 सवारी ही बैठाएंगे। इस नियम के तहत भाड़े में भी बढ़ोतरी की छूट बस मालिकों को मिली है। बस सवारी को उनके गंतव्य स्थान पर छोड़कर वापस स्टैंड आने पर बसों को सैनिटाइज किया जाना है। यह पहले ही जिला प्रशासन द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों में अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कई दिशा निर्देश दिए गए हैं तो किस तरीके से शुरू हो रहा है? काफ़ी दिन हो गया था। हाँ, जैसे कि हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से ही, आप लोग के माध्यम से ही पता चला था कि हम लोगों का बस का संचालन झारखंड इंटर स्टेट में होगा। उसके बाद कल शाम में DTO साहब खुद आके इसका गाइडलाइन इशू किए हैं, जिसमें से बोले कि जो हम लोग का फुल कैपेसिटी है, मे बी अगर 50 सीट का बस है तो उसमें आप 25 पैसेंजर्स को ही सिर्फ ले जा सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी किया है कि जो किराया होगा वो आज के रेट को देखते हुए, फ्यूल का दाम जो है और आने वाला जो कैपेसिटी को लेके जो रेट है उसी के आधार पे बोला गया है चार्जेस लेने के लिए। उसके बाद अभी जो भी गाइडलाइन आया उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। रूट में अभी बसें आज से स्टार्ट हुई है। आज से जाने के बाद अब जो बसें आएंगी वापस वो इसी बस स्टैंड में सैनिटाइज किया जाएगा। उसको प्रॉपर वे से जो हम लोग हैं वो मास्क पहनेंगे। जो गाइडलाइन जो हमारी सरकार दे रही है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। कितनी खुशी की बात है, काफ़ी दिन हो गए थे लॉकडाउन, आप लोग भी परेशान थे। जी हाँ, खुशी की बात तो है ही, क्योंकि इसी से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इससे एक वर्कर से लेके, एक ड्राइवर से लेके, एक खलासी, सब जुड़े हुए हैं। मेरे लिए जितनी खुशी की बात है उससे 2-4 गुना मेरे जो परिवार ही हैं, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको 2 रुपये आएगा, उसके लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं और अच्छे सुचारू रूप से काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, शिवगंगा बस। सवारी की संख्या क्या है? सवारी की संख्या डिपेंड करती है मेरी बस की कैपेसिटी पे। जैसे कि बहुत सारा बस है जिसमें 40 सीटें होंगी तो मे बी हम लोग 50% का ही लेके चल रहे हैं। नहीं, अभी सड़कों पर सवारी की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अभी आज से जाने के बाद जब बसें चलेंगी रोड पे तो पब्लिक देख के फिर उसको उसी हिसाब से प्लान करेगा, अपना रूट प्लान या जो भी टूर प्लान। वहीं मॉल खुलने के साथ ही ग्राहक अपनी जरूरतों की चीजों की खरीदारी करने मॉल पहुंचने लगे हैं। मॉल खुलने तथा बंद होने का समय 9 से 9 निर्धारित किया गया है। मॉल संचालक जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का भी अक्षरशः पालन कर रहे हैं। मॉल में प्रवेश से पूर्व ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। टेम्परेचर मापने के उपरांत हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है। बिग बाजार पहुंचे हरेक ग्राहकों को इनकी ही प्रक्रिया के तहत मॉल में प्रवेश दिया गया। मॉल खुलने से ग्राहक भी खूब उत्साहित नजर आए। ग्राहकों ने बताया लंबे समय से मॉल बंद रहने की वजह से कई जरूरी चीज़ों की खरीदारी करने से वंचित रहना पड़ा। मॉल बंद रहने से लैपटॉप आदि चीज़ों की खरीदारी नहीं हो पाई। छोटे दुकानों में लैपटॉप के दामों में काफ़ी उछाल देखा गया। मॉल बंद रहने से छोटे विक्रेताओं ने एकाधिकार बना रखा था, अब मॉल खुलने से इस एकाधिकार पर भी अंकुश लग सकेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से दामों में भी नियंत्रण आएगा। मॉल के खुलने पर हम लोग बहुत ही खुश हैं। एक्चुअली हम लोग मतलब वर्क फ्रॉम होम का वो ये चल रहा था, जिसके कारण लैपटॉप की बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो ये बिग बाज़ार बंद होने के कारण हम लोगों को उस साइड ऑफर्स वगैरह, प्राइस वगैरह बढ़ा दिया गया था। तो बस हम लोग इसका वेट कर रहे थे ताकि बिग बाज़ार खुल जाए, रिलायंस रिटेल खुल जाए, तो इससे मार्केट खुला रहेगा। तो मतलब हम लोगों को थोड़ी आसानी मिली। मार्केट बंद होने से मोनोपोली भी हुआ है? मोनोपोली हुआ है, प्राइसेस में हाइक हो गई है बहुत जगह। लैपटॉप शोरूम जा रहा हूँ, पहले जो प्राइस बोलते थे उससे कई ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं। मॉल के खुलने से इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगा? हाँ, तो थोड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि प्राइसिंग डाउन होगी। सही बात। मॉल खुलने से खुशी है? क्या खुशी है? एकदम खुश है।
मॉल खुलना था जरूरी था। नाम बताइए। अभिषेक कुमार। हम लोग को जो सैनिटाइजेशन का जो हम लोग भैया मोबाइल आ रहा था पहले कस्टमर एंट्री होगा एंट्री इधर इधर देख के फूड सैनिटाइजर का व्यवस्था हुआ है। कस्टमर पहले एंट्री के टाइम मेरा फूड सैनिटाइज करेगा। फूड सैनिटाइज करने के बाद कस्टमर का टेम्परेचर मापा जाएगा। टेम्परेचर मापने के बाद कस्टमर का हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद लगेज सैनिटाइज होगा फिर कस्टमर एंट्री देगा। एंट्री देने के बाद एस्केलेटर बेड लिफ्ट मेरा सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ है। कस्टमर जब लिफ्ट में मेरे एंट्री होगा उस टाइम आपका लिफ्ट के अंदर सैनिटाइज का व्यवस्था किया हुआ है। कस्टमर एक लिफ्ट बटन देने के बाद सैनिटाइज करके फिर निकलने का टाइम है सैनिटाइज करें। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मेरा मॉल का अभी तक तो टाइमिंग है सुबह 9 बजे मेरा मॉल ओपनिंग होगा 9 बजे तक क्लोज होगा। शाम कितने तक? शाम कितने बजे तक? 9 बजे 9 से 9 तक। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अभिषेक मुखर्जी। क्या चीज़? अभिषेक मुखर्जी। का गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है सर उसके हिसाब से हम लोगों ने सारा तैयारी किया हुआ है। सबसे पहले जो भी कस्टमर आते हैं उनका टेम्परेचर नापा जाता है ठीक है। उसके बाद उसको सैनिटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद अगर वो लगेज लेके आते हैं तो लगेज का भी सैनिटाइजेशन हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग आइसोलेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं जिसके लिए टेम्परेचर यदि हाई आता है तो वो थोड़ा देर आइसोलेट करके फिर मॉल में एंट्री कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हुआ आइसोलेट हो गया एक घंटा अगर वो आइसोलेट होकर फिर आते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर आता है तो फिर हम उसको और अगर नॉर्मल नहीं होगा तो नॉर्मल नहीं होता है तो हम लोग लोकल जो अथॉरिटी है ठीक है ना COVID-19 का जो हेल्पलाइन नंबर है उसको फ़ोन करके हम लोग उसको इन्फॉर्म करेंगे। टीम आएंगे फिर उसको लेके आइसोलेट करेंगे। कब तक इस प्रकार आप लोग एहतियात बरतेंगे? अच्छा एहतियात कब तक बरतेंगे? हमेशा ये बरतना ही पड़ेगा हम लोग को जब तक ये पूरा कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाता है हम लोग को रेगुलर ये करना ही पड़ेगा। कब से कब तक टाइमिंग है मॉल का? टाइमिंग सर देखिए ऐसा स्टैंडर्ड कोई टाइमिंग नहीं बताया गया है एज़ पर गाइडलाइन लेकिन हम लोग का जो पहले का जो टाइमिंग था उस हिसाब से चल रहा है अभी ठीक है ना। सरकार ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया हम लोग को कि क्या टाइमिंग रखना है। एज़ पर स्टैंडर्ड जो टाइमिंग था मॉल का वो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। कब तक? ऐसे नॉर्मली हम लोग का 9 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है 9 बजे क्लोजिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ धनबाद में तो 7 बजे ही अभी बंदी हो जा रही है। 7 बजे एज पर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टाइमिंग है सर। मॉल का कोई स्टैंडर्ड टाइमिंग सरकार के थ्रू से हम लोग को नहीं आया अभी इसमें इसको लेकर असमंजस है। अभी इसमें कोई असमंजस है अभी ठीक है पूरा कम्प्लीटली इसमें कोई ये नहीं आया सरकार का गाइडलाइन नहीं आया टाइमिंग। इसलिए हम लोग जो पहले का टाइमिंग था ठीक है अनलॉक 1 का जो टाइमिंग था इसमें बोला गया था कि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है इसीलिए हम लोग वो टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं कि 9 बजे ओपन कर रहे हैं 9 बजे क्लोज कर दे रहे हैं। अपना नाम बताओ। आज पहला दिन है कि कस्टमर का क्या है कितने लोग पैसा अभी तो एज पर रिस्पॉन्स देखिए लगभग मोटा मोटी अभी तक का लगभग 400 से अपर कस्टमर आ चुके हैं ठीक है ना। रुझान ठीक दिख रहा है लोगों का रुझान? लोगों का रुझान तो बढ़िया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मॉल हम लोग को ओपन हुआ है लगभग 5 महीने हो चुके हैं ठीक है। आदमी के अंदर एक एक्साइटमेंट है कि कब मॉल खुले कि हम लोग जाएँ मॉल के अंदर और फैसिलिटी ले सके। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद समीर अंसारी। क्या है यहाँ पर? हम ऐसे ऑपरेशन सुपरवाइजर हैं ऑपरेशन रिलेटेड हर कोई सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब देखते हैं।